Hi, this is Kushbu with another question of arithmetic progressions. This is question number 8 from exercise 5.2, page number 106 from NCERT. The question is, the AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. So, the 29th term find the name. What is given? 50 terms ki baat ho rahi hai, that means we have N50 diya hua hai. Third term is 12. A3 is 12. And the last term, टोटल 50 टर्म्स हैं, मतलब हमको A50 लास्ट टर्म दी हुई है 106, क्योंकि लास्ट टर्म हमारी टोटल 50 टर्म्स है, तो 50 में खत्म हो रहा होगा, तो आखिरी टर्म इज A50 इज 106. हमें फाइंड करनी है 29th टर्म. सो सबसे पहले ये जो दो चीजें दी गई है इसका यूज करेंगे. A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A+2D = 12. A50 को हम लिख सकते हैं A+49D = 106. ये दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करें अगर ए और ए कैंसिल, प्लस माइनस माइनस करके आता है -47D, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करके आता है -94. सो माइनस से माइनस कर D = 94/47. सो 47 1s are 47 2s are, सो D is 2. कॉमन डिफरेंस अगर 2 है तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके यहां से ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो A+2 कॉमन डिफरेंस की जगह 2 इज इक्वल टू 12. सो बन गया A+4 इज इक्वल टू 12. A इज इक्वल टू 12 - 4, सो A इज 8. सो हमारे पास फर्स्ट टर्म यहां से आ गई 8. फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है. अब निकालनी है 29th टर्म. ए 29 होता है A+28. सो यहां से फर्स्ट टर्म हमारे पास है 8+28, कॉमन डिफरेंस इज 2. सो 8+56 = 64. सो हमारे पास हमारे जो 29th टर्म है दैट इज 64. सो आंसर इज 64. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आप NCERT और RDJ मद से ट्राई कर सकते हो, और अगर कोई भी डाउट है तो हमें बताइए. And to watch the next video for some more questions. Goodbye.